हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्यारह सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी में आज के हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक हैं वो है दिल्ली का इतिहास, और जो इसी में एक और टॉपिक कराऊंगी वो है दिल्ली पर हुए आक्रमण के विषय में, जिसमें आक्रमणकारी वर्ष और जो उस समय दिल्ली के शासक रहे हैं उसके विषय में बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं दिल्ली का इतिहास। इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जानने लायक हैं दिल्ली के इतिहास के विषय में, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ करेंगे। तो सबसे पहला आप देखिए कि दिल्ली का उल्लेख जो है सबसे पहले महाभारत काल में मिलता है, ठीक है। दिल्ली का उल्लेख जो है सबसे पहले कहाँ मिलता है, महाभारत काल में मिलता है, क्योंकि पांडवों ने जिस इंद्रप्रस्थ नगर की स्थापना की थी उसकी पहचान वर्तमान दिल्ली के रूप में ही की जाती है। इसके बाद दिल्ली पर मौर्य वंश, गुप्त वंश और पाल वंश के शासकों ने शासक किया था। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, ठीक है, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि दिल्ली का उल्लेख जो है सबसे पहले महाभारत काल में मिलता है, ठीक है, क्योंकि पांडवों ने जिस इंद्रप्रस्थ नगर की स्थापना की थी उसकी पहचान जो है वर्तमान दिल्ली के रूप में ही की जाती है। और इसके बाद से, इसके पश्चात जो है दिल्ली पर मौर्य वंश, गुप्त वंश और पाल वंश के शासकों ने शासन किया था। नेक्स्ट आपका है कि दिल्ली नगर की स्थापना 11वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजपूत शासक द्वारा की गई थी, ठीक है ना। दिल्ली नगर की जो स्थापना है वो 11वीं शताब्दी में हुई थी और तोमर वंश के राजपूत शासक के द्वारा की गई थी, ठीक है। इसके बाद से पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पर शासन किया था। नेक्स्ट आपको पता होगा तराइन के दूसरे युद्ध के विषय में, तो 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है, और इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी से जो है कौन पराजित हुआ था, पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ था, यानी मोहम्मद गौरी विजयी हुए थे तराइन के दूसरे युद्ध में, ठीक है। कौन पराजित हुआ था, पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए थे, किससे हुए थे, मोहम्मद गौरी से हुए थे। इसके पश्चात जो है दिल्ली जो है मुस्लिम शासकों के नियंत्रण में आ गई थी और आगामी 600 वर्षों तक उसके अधीन भी रही थी। अगला है 1857 के बारे में, तो 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेज़ों ने दिल्ली के मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को सत्ता से हटाकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट सारे ही हैं इस लाइन में, ये आपको इम्पॉर्टेंट है जानना है कि 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेज़ों ने दिल्ली के मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को सत्ता से हटाकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट आपका 1911 ईस्वी में ब्रिटिश राज्य की राजधानी कोलकाता से हटा करके दिल्ली लाई गई थी, ठीक है, और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इसे ही भारत संघ की राजधानी बनाया गया, यानी कि दिल्ली को। नेक्स्ट है 1 नवंबर 1956 को दिल्ली को केंद्रशासित प्रदेश यानी केंद्रशासित क्षेत्र का दर्जा दिया गया, केंद्रशासित क्षेत्र घोषित किया गया दिल्ली को, कब किया गया, तो ये 1 नवंबर 1956। नेक्स्ट है दिसंबर 1991 में संसद ने 69वें संविधान संशोधन करके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया था, ठीक है। किस संशोधन के तहत हुआ ये, 69 संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, कब, दिसंबर 1991 में, ठीक है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। दिल्ली के इतिहास के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको यहाँ पर बता दी गई हैं। अगला है दिल्ली पर हुए आक्रमण, और यहाँ हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या है आक्रमणकारी वर्ष और दिल्ली का शासक। पहला जो आक्रमणकारी है चंगेज खां, किस वर्ष में, 1221 ईस्वी में। दिल्ली का शासक कौन था, इल्तुतमिश था। सेकंड है हसन कारलू व कबीर खान, 1254 में, ठीक है ना, 1254 ईस्वी में। उस समय दिल्ली का शासन, जो दिल्ली पर शासन कर रहा था शासक जो था वो अलाउद्दीन मसूद शाह। नेक्स्ट है तैमूर खान, 1285 ईस्वी, ठीक है, दिल्ली का शासक उस समय बलबन। नेक्स्ट है अब्दुल्ला खां, 1292 ईस्वी में, दिल्ली का शासक जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है कादिर खान, 1297 ईस्वी में, दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कुतलुक ख्वाजा, 1299 ईस्वी में, ठीक है ना, इसका जो ये वर्ष दिया हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी इसके दिल्ली, मतलब उस समय दिल्ली के शासक। नेक्स्ट है तागी खां, 1303 ईस्वी में,
और दिल्ली का शासक उस समय अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है अली बेग व तरताक खां। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी उस समय भी दिल्ली के शासक। ठीक है, नेक्स्ट है इकबाल मंदा व कशाक। 1306 ईस्वी दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है तरमा शरीन। 1327 ईस्वी दिल्ली का शासक उस समय मोहम्मद बिन तुगलक। फिर नेक्स्ट है अमीर तिमूर। 1398 ईस्वी नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली का शासक। नेक्स्ट है आपका और लास्ट है बाबर, और ये है आपका 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी उस समय दिल्ली के शासक थे। तो ये है दिल्ली पर हुए आक्रमण के विषय में कुछ विशेष जानकारी। इसे आपको याद करना है और दिल्ली का इतिहास भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जो हाईलाइटेड शब्द हैं उनको तो ज़रूर से अपने माइंड में बिठा लीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।